उज्जैन जिले के महितपुर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसमें 1100 किलोमीटर दूर से शिकार बनाने आई लुटेरी दुल्हन अपने पूरे गिरोह के साथ में पकड़ाई। तेलंगाना के एक युवक को लुटेरी दुल्हन ने ठगा तो उसने दोस्तों के साथ में लुटेरी दुल्हन को पकड़ने की एक तरकीब बनाई। पहले से शादीशुदा है लुटेरी दुल्हन, अपने आप को गरीब बताकर शादी का झांसा देकर भोले वाले युवक को शिकार बनाती है। पुलिस ने बताया कस्बा महितपुर के दिलीप सिंह ने कल दिनांक 6/4/2024 को अपने साथ धोखाधड़ी कर शादी करने की रुपये संबंधी रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया और फरियादी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जो फ्रॉड तरीके से शादी की गई थी उनको पकड़ करके थाने पर लाए गए थे। उनमें करीब 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आज 4-5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो दुल्हन के रूप में जो उसने अपना रोल अदा किया था वो भी उसमें गिरफ्तार किए है, उसका भाई है वो भी गिरफ्तार किया है, जो लोकल के व्यक्ति हैं जीवन और बद्री उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। 6 सभी 3 लोग अभी फरार हैं और आज JR पर उनको PR पर पेश किया जा रहा है और इससे समाज में अलग अलग तरीके से इनको अवैध रूप से पैसे की वसूली करके और 2-3 दिन बाद भागने जैसे उसने अपने मेहमानों में बताया। कई बार शादी करके ऐसे ही पैसे ऐड करके भाग जाना पता कबूल किया है, जो आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है PR लेकर के और आगे की पूछताछ। घर में 50,000 रुपये और मंगलसूत्र उसने अपने अन्य साथियों को दिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार विवेचना की जा रही है। उनसे अभी PR लिया गया है और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है, जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो